वायरस ने सिखा दिया हेल्दी लाइफ कितनी महत्वपूर्ण है। आपके फिटनेस और अच्छी हेल्थ के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए ABS जिम, जहां है वेल इक्विपाइड इक्विपमेंट्स के साथ सर्टिफाइड ट्रेनर्स और डाइटिशियन। पूरी सुरक्षा और हाइजीन के साथ ABS फिटनेस एंड वेलनेस फिर से आपके सेवा में शुरू है, खांडे सेंट्रल मॉल जलगांव। हाल ही में इंडिया आप तक समाचार ने खबर दिखाई थी जिसमें सुल्तान मिर्जा नामक व्यक्ति RTO दफ्तर के बाहर एक दिन के लिए लाक्षणिक हड़ताल कर रहे थे। उनका आरोप था कि RTO दफ्तर में कुछ लोग सही काम नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इस संबंध में आप तक न्यूज ने दोनों पक्षों से बातचीत की थी और यह दिखाया था कि उनका क्या कहना है एवं फैसला सरकार और उनके अधिकारियों पर छोड़ दिया था। मंगलवार को अचानक एक खबर आई कि इमरान खान नामक एक ट्रेवल्स चालक ने पुलिस में तथा RTO दफ्तर में सुल्तान मिर्जा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है कि मिर्जा उन लोगों से वसूली की मांग करते हैं। मेरा नाम इमरान खान शरीफ खान है, IK ट्रेवल्स करके मेरा बिजनेस है। सूरत से जलगांव गाड़ियाँ चलती है मेरी, लग्जरी बसेस। उसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बार बार फोन आते हैं और धमकी आती है कि हम लोगों को अगर पैसा नहीं मिला तो हम आपकी गाड़ियाँ नहीं चलने देंगे। कौन करता है? इनका नाम है सुल्तान बेग नज़ीर बेग मिर्ज़ा। ये रहने वाले जलगांव के नवापुर में एक्सीडेंट हुआ था, उस कारण से हफ्ते मांगते गाड़ियों के। और मैंने इनको बुला के जब बातचीत की तो इनका बोलना था आप कितने भी डॉक्यूमेंट आपके क्लियर रखो, हम लोग को आपको हफ्ता देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपकी गाड़ी नहीं चलने देंगे। मैंने उनको रिक्वेस्ट हुई कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो? उनका बोलना था RTO मेरी बहुत जान पहचान है, सब RTO मेरे को जानते पहचानते हैं, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हारी गाड़ी चलने नहीं दूंगा। मैं उनका बहुत सारी इसके वजह से हम लोग ने रामानंद पुलिस स्टेशन में तकरार की है और आज IT कॉलेज में आके लोही साहब को भी तकरार दी है। मेरा बोलना आप लोगों से यही है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है और बार बार फ़ोन करता है, धमकियाँ देता है, इसके लिए मुझे कुछ तो भी न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। आपको पैसों की डिमांड करते क्यों? हाँ, डिमांड करता है, मुझे बताता है एक गाड़ी का मुझे 5,000 मिलना चाहिए। तो जितनी बसेस आपकी गुजरात से महाराष्ट्र में आती है उन सब गाड़ियों का मुझे नंबर दो और पैसा दो, इस तरीके की इसकी मांगनी है। जब नहीं बोला तो ये मुझे पुलिस से डरा रहा है, बोलता है मैं पुलिस में आपकी कंप्लेंट लूंगा, तो इसी खिलाफ मैं भी उसके खिलाफ कंप्लेंट लेके आया हूँ। इस संबंध में जब हमने सुल्तान मिर्जा से बातचीत की तो उन्होंने उल्टा इमरान खान को ही दोषी बताते हुए झूठे इल्जाम लगाने की बात बताई। साहब ये माझा और जे आरोप के लिए ये पूर्णतः खोटे आहे। मला दिनांक 1/11/2020 रोजी इमरान खान नावाच्या एका व्यक्तीने IK ट्रॅव्हल्सवाला कोणीतरी मालक आहे त्यांनी मला 2 वेळा फोन केला वेगळ्या वेगळ्या नंबरवरून। त्या फोनला मी घेऊन संबंधित मी राहत असलेला पत्ता माझा खोटेनगरचा असल्यामुळे मी तसंच तालुका पोलीस स्टेशनला गेलो। तालुका पोलीस स्टेशनला जाऊन मी माझी रिकॉर्डिंग ठाणे मलदारांना ऐकायला लावली, त्यांनी ते ऐकून त्याला पोलीस स्टेशनच्या नंबरवरून फोन लावला आणि त्याला दमदाटी दिली का हे कशाला फोन करतो, अमुक करतो, याच्यानंतर फोन करायचा नाही। तरी मी अजून त्याच्यानंतर मला परवा रात्री व्हॉट्सअपवर ही माहिती पडला का माझ्या विरोधात रामानंद नगर पोलीस स्टेशन जळगाव RTO इथे काही अर्ज देण्यात आलेले, त्या अर्जाचा मी खुलासा असा केला की माझा लावलेले आरोप हे पूर्णतः खोटे आहे। पैशांचा डिमांड जी माझ्याकडे त्याची मोबाईल रिकॉर्डिंग आहे का तो मला म्हणतो हप्ते घे आणि आमच्या गाड्या चालू करू दे, तू कुठे तू काय करतो अशा प्रकारे मला तर त्यांनी धमक्यासुद्धा दिलेले, त्याची रिकॉर्डिंग माझ्याजवळ आहे। आणि त्याच्या पाठीमागे याच्या पाठीमागचे जे चेहरे आहे जे RTO डिपार्टमेंटले मधले जे चेहरे आहे ते काही दिवसांनी ओपन होतील का त्यांना भडकवणारा कोण आहे जळगाव कार्यालयातून नंदुरबार कार्यालयातून कोण त्यांना भडकवतोय, त्याच्या विरोधात मी जे लढा चालू केलेला आहे जळगाव RTO आणि नंदुरबार RTOचे काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध, हा लढा माझा कायमस्वरूपी चालू राहील। सच क्या है ये तो जांच में ही पता चलेगा, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि जब तक कहीं आग नहीं लगती तब तक धुआं नहीं उठता। लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप सरकारी दफ्तर के खिलाफ तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए, अगर हैं तो सरकारी अधिकारियों को चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी जांच कर सही और गलत का फैसला किया जाए। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया आप तक न्यूज के लिए।
प्रामाणिकता, शुद्धता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।